तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों आप देख रहे हैं राज जानो। दोस्तों पूरी दुनिया में कई कौमें आबाद हैं और हर कौम अपनी तहजीब, रहन सहन के तरीके और रस्मों रिवाज के बिना पर जानी जाती हैं। दोस्तों अगर इस दुनिया पर एक नजर डाली जाए तो इस दुनिया में ऐसी भी कौमें मौजूद हैं जो अपने अजीबोगरीब कल्चर की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती हैं और इन्हें दुनिया भर में काफी शोहरत भी हासिल हो चुकी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के अनोखे त्योहारों के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा और राज जानो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। नेक रिंग्स। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड और म्यांमार के एक गाँव में रहने वाले लोगों के एक अजीबो गरीब कल्चर की। दोस्तों ये लोग अपने घर की लड़कियों को 5 साल की उम्र से ही गर्दन पर रिंग्स पहनाना शुरू कर देते हैं ताकि इनकी गर्दन लंबी हो सके। दोस्तों हर वक्त ये रिंग्स पहनने की वजह से कई लड़कियों को तो गर्दन में दर्द होने लगती है मगर वो अपने कल्चर की पासदारी करते हुए रिंग्स को उतारती नहीं और अपने ट्रेडिशन को बरकरार रखती हैं। दोस्तों ये ट्रेडिशन बहुत पुराना है और सदियों से चला आ रहा है। हम और आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कब से चला आ रहा है। दोस्तों कुछ लोगों का तो कहना है कि इस ट्रेडिशन को इसलिए मनाया जाता है ताकि लड़कियों की गर्दनें ड्रैगन जैसी बन सकें और वो खूबसूरत दिखाई दें। मुंह पर थूकने को इज्जत समझना। दोस्तों अब आते हैं दुनिया की सबसे अजीबो गरीब और बददस्तूर कल्चर की तरफ। दोस्तों ये रस्मों रिवाज साउथ अफ्रीका में रहने वाले एक मसाई कबीले की है। दोस्तों मॉडर्न दौर से गुजरने वाला ये कबीला आज अपने बद इखलाकी और नामूर रस्मों रिवाज की वजह से जाना जाता है। दोस्तों मसाई कबीले के अफराद मुँह पर थूकने को इज्जत समझते हैं। हमारे यहाँ तो इस अमल को बहुत ही बुरा माना जाता है। दोस्तों अगर कोई शख्स आपके मुंह पर थूके तो आप इस शख्स के साथ क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मगर दोस्तों जब भी मसाई कबीले के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अलविदा कहते हैं या किसी को गुड लक पेश करते हैं तो इसके मुंह पर थूकते हैं और जिस शख्स के ऊपर थूक फेंका जाता है वो इसे अपनी इज्जत समझता है। हत्ता के बाप जब अपनी बेटी को शादी वाले दिन रुखसत करता है तो वो इसके मुंह पर थूक कर इसे जिंदगी भर खुश रहने की दुआ देता है। दोस्तों आपको इस कबीले की रस्म के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कब्रिस्तान में पिकनिक मनाना। दोस्तों क्या आपने कभी कब्रिस्तान में पिकनिक मनाई है? यकीनन आपका जवाब ना में होगा मगर दोस्तों डेनमार्क के लोग अपनी फैमिली के साथ कब्रिस्तान में जाते हैं और वो वहाँ पर मिलकर खेलते हैं, चहलकदमी करते हैं और अच्छी सी डिशेस बनाकर एंजॉय भी करते हैं। दोस्तों आपको तो पता है कि हमारे कब्रिस्तान सुनसान और वीरान होते हैं मगर डेनमार्क का एक मशहूर कब्रिस्तान जिसका नाम असिस्टेंस है एक खूबसूरत पार्क से कम नहीं है। लॉन्ग हेयर कल्चर। दोस्तों चाइना के गांव हुआंग लाओ में लंबे बाल रखने की रस्म सदियों से चली आ रही है। दोस्तों इस गांव की हर औरत के बाल 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक लंबे होते हैं और तो और इन औरतों के बाल 80 साल की उम्र से पहले सफेद भी नहीं होते। दोस्तों यहां की औरतों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का एजाज भी मिल चुका है। दोस्तों इन औरतों का कहना है कि जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो इसके बालों को कटवा दिया जाता है और इसका मतलब होता है कि लड़की अब शादी के लिए तैयार है और ये कटे हुए बाल लड़की शादी के बाद अपने शोहर को तोहफे में देती है और न जाने लड़का इन बालों का क्या करता होगा। दोस्तों इसके अलावा इस गांव में हर साल 3 मार्च को लॉन्ग हेयर फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें औरतें गाना गाकर और रक्स करके लंबे बालों को दिखाती है और काफी टूरिस्ट इनके बालों को देखने के लिए इस विलेज का रुख भी करते हैं।
फायर वॉकिंग इन चाइना। दोस्तों इस अजीबोगरीब रस्म को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों चाइना के चंद हिस्सों में लोग अपनी बीवी को उठाकर इस आग के कोयलों पर चलते हैं। वो इस वजह से कि इनका मानना है कि इन कोयलों पर चलने से इनके यहाँ एक खूबसूरत और प्यारा सा बच्चा पैदा होगा। इसके अलावा कई लोग अकेले भी इन आग के शोलों पर चलते हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से इनकी जिंदगी में एक खूबसूरत हसीनो जमील हम सफर आएगा, जो पूरी जिंदगी इनके साथ बिताएगा। दोस्तों ये रस्म काफी सदियों से चली आ रही है और इस रस्म को चाइना के लोग आज भी अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा समझते हैं। इंसानी ढांचे को हर साल खूबसूरत बनाकर दफनाने का रवाज। दोस्तों इंडोनेशिया में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां पर अगर कोई शख्स मर जाता है तो दफनाने के बाद इसकी लाश को इसके घर वाले एक साल बाद फिर दोबारा से कब्र से निकालकर इसे खूबसूरत कपड़े पहनाते हैं, खुशबू लगाते हैं और इनको मुख्तलिफ चीजों से खूबसूरत से भी खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों यहां पर रहने वाले लोगों का कहना है कि ये ट्रेडिशन काफी सदियों से चला आ रहा है। दोस्तों इसके अलावा हर साल इस गांव में एक मेला लगता है जहां पर लोग अपने अपने अबाव इजदाद के ढांचों को ले जाते हैं और जिसका ढांचा खूबसूरत होता है इसे इनाम से भी नवाजा जाता है। दोस्तों ऐसा करने के बाद फिर ये लोग ढांचे को दफना देते हैं और अगले साल फिर इस रस्म को मनाते हैं। अशारों से बात करने का कल्चर। दोस्तों आप इस बात से वाकिफ तो होंगे कि दुनिया में बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां लोग इशारों के साथ बातें करते हैं? जी हां दोस्तों ये है इंडोनेशिया का एक गांव बैंकाला, जहां पर भी एक अजीब दस्तूर है। दोस्तों यहां पर लोग एक दूसरे से हाथ के इशारों से बातें करते हैं और इस जुबान का नाम काता कोलक है। दोस्तों इस जुबान को सिर्फ बैंकाला के लोग ही समझ सकते हैं। इसके पीछे वजह ये है कि पिछली 6 सदियों से बैंकाला में इशारों से बात करने वाली रस्म चली आ रही है और लोग इस रस्म को निभाते निभाते बहरे हो गए हैं, क्योंकि लोग कुछ बोलते ही नहीं और अपने बच्चों को बस अपने कल्चर की इस रस्म के मुताबिक इशारों से बात करना सिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर कोई टूरिस्ट चला जाए तो इसे इस जुबान को समझने में काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों ये थे दुनिया में मनाए जाने वाले अजीबोगरीब ट्रेडिशन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और राज जानो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपका मेजबान बहादुर अली।